हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो देखिए हमारे साथ कौन कौन है, सब लोग चलो पहले राधे राधे बोलो। तो हम लोग आए हैं अभी खेत पे और आज है संडे, इसलिए ये सब लोग घर पे ही, वैसे तो स्कूल चले, आज की छुट्टी आती। तो गाइस अभी हम लोग खेत पे आए थे, देखिए टेबल से हैं और हम आए हैं साग लेने, सरसों का साग आज बनाएंगे, सरसों का साग और मक्के की रोटी। चने का साग तो एक बार बना चुके हैं और फिर सरसों बड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए वैसे तो कल परसों ही बनाना चाह रहे थे कल, लेकिन कल हम कहीं चले गए थे, कहीं के आगरा गए थे घूमने, हाँ फिर बहुत लेट हो गए थे उधर से, 10 बजे आ पाए तो फिर कल ब्लॉग भी नहीं बना पाए और ना रील बना पाए। तो बस अब रेगुलर आएंगे और चलिए तो अब साग लेंगे चल के, और आप लोग प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चने का साग मक्के की रोटी खा के जाना। अरे सॉरी, सरसों का साग और मक्के की रोटी, सरसों का साग मक्की दी रोटी, यस। तो चल तो चलिए अब चलेंगे सरसों का, और देखो कितना तो अच्छा लग रहा है खेतन पे व्यू, देखिए कितना मस्त लग रहा है, ये बरसीम है, पता है तुम्हें, हम जानते थे अभी पता नहीं है। तो आ जाओ सरसों ले लें पहले, फिर बथुआ, पालक, मेथी, धनिया, जो देखो सरसों कितनी बड़ी होएगी, देखियो एकदम छोटी छोटी रात, तो बस सरसों को बहुत अच्छा साग बनाते हैं वो, तो हम जम से अच्छी अच्छी ले ली है, अरे ऐसा नहीं खराब हो जाए, देखो छोटी इनको, अभी को गाना सुन ले तुम लोग, आओ जल्दी। फिर बीजन चोर। तो चलिए गाइस सब चल रहे साग ले लें, और वो क्या बोल रहे थे, हाँ कल हमारी रील देखी थी सत्येंद्र भैया ने, कालू यादव जो गगन भैया के संगे रात, उन्हें तो बहुत खुशी मिलती है, ऐसे लोग हमारी रील को लाइक करते हैं और काफी अच्छे फॉलोवर्स भी हैं उनके। और आज की थी राज भैया जो एक्टर हैं, उन्होंने उनके भी काफी अच्छे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने भी मेरी काफी वीडियो लाइक की और स्टोरी भी देखी, तो बहुत खुशी मिलती है, बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और चलिए अब ले लेते हैं सरसों का साग, देखिए गाइस सरसों मैंने ले ली है, अब चलेंगे थोड़ा सा बथुआ लेंगे और क्या लेंगे, पालक और मेथी। अभी भाई आइए, अभी तुम बनिए हिंदावली अपनी, चलो अभी बनी तो गाइस धनिया ले ली और थोड़ी सी पालक इधर से ले ले और मेथी ले ले, बथुआ बस चल रही फिर घर पे। पालक भी मैंने ले ली, देखिए पालक खूब मिल गई और बथुआ भी मिल गया, बस मेथी कम आएगी, अब कोशिश कर रही जाइए मैं तो, थोड़ी थोड़ी बस छोटी छोटी है ना ताकि वजह से। अब साग ले लिया ये बथुआ सरसों और इसमें है पालक धनिया और मेथी, तो चलिए अब चल रहे हैं घर पे, अब बांध और ले चलो बस। तो गाइस आ गए हैं घर पे और चलिए अब साग को अच्छे से धुलेंगे। देखिए गाइस ये सरसों और बथुआ तो अच्छे से धुलेंगे, दो तीन बार काटने से पहले धुलेंगे।
देखिए ये इतना चने का साग, थोड़ा सा अच्छे से साफ करके दो तीन बार धो लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, साग मैंने अच्छे से धुल के रख दिया और सब मिक्स कर दिया। इसमें सरसों का साग है, चने का साग है थोड़ा, और पालक है, मेथी है, धनिया है और बथुआ है, इतनी सब चीज़ें हैं। तो देखिए तीन चार बार मैंने अच्छे से साफ करके रख दिया, बस काटेंगे। और सरसों का साग बना रहे तो सरसों इसमें ज़्यादा है। तो गाइस साग मैंने धुल के रख दिया था और फिर मैंने नहाया। अभी शाम का टाइम है, 4 बज रहे होंगे शायद। तो चलिए अब मैं काट रही हूँ साग, अब बनाएंगे। तो गाइस साग मैंने काट लिया, चलिए अब चूल्हा जलाते हैं और पानी गर्म करने के लिए रखेंगे। तो देखिए गाइस चूल्हा भी जल चुका है और पानी भी गर्म करने के लिए मैं रख दिया है। तो ये इतना लहसुन अब इसमें डालेंगे और अच्छे से इसे कूटेंगे, कुचरेंगे, जो भी आप बोलते हो। तो और लहसुन और अदरक आपको ज़्यादा ही डालनी है, क्योंकि लहसुन अदरक का ही अच्छा स्वाद आता है। और तड़के के लिए अभी हम अलग लेंगे, तो ये तो हम साग के साथ डालेंगे अभी। और ये इतनी अदरक, इसको भी मैंने अच्छे से कुचर लिया है, आप सिलबटने से भी कर सकते हैं। और इतनी ये हरी मिर्च मैंने बीच में से कट कर ली। तो गाइस पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें साग डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से नहीं डालना। ऐसे तो लग रहा है कि साग बनेगा नहीं पतीली में, लेकिन बन जाएगा। तो गाइस देखिए साग सब डाल दिया, आप देखिए इतनी हरी मिर्च मैंने काट के रख ली थी। तो ऐसे ही डाल देंगे इसमें इतनी अदरक और लहसुन भी डाल देंगे अभी। तो देखिए मिर्च, लहसुन और अदरक भी मैंने डाल दी है, अब बस चलाएंगे। देखिए नमक भी अभी डाल देंगे साथ में ही। तो देखिए अब इसको ऐसे ढक के रखेंगे, क्योंकि इससे भाप निकलती रहेगी तो जो कड़वापन होता है साग में वो निकल जाएगा। और अब हम तड़के के लिए काट रहे हैं हरी मिर्च और प्याज, लहसुन और एक टमाटर है। तो इसको बीच में ऐसे चलाते भी रहेंगे और रई से, ये मथनी से इसको अच्छे से मैश करेंगे। बीच बीच में आपको करते ही रहना है। तो देखिए फ्रेंड बारिश होने लगी और साग अभी पक रहा है, 1 घंटा हो गया, अब अच्छे से पक चुका है। अब इसे मथनी से अच्छे से गौटेंगे। तो देखिए फ्रेंड चूल्हा गैलरी में रख लिया, उधर देखो बारिश हो रही और अम्मा देखो गौटा गौट लगी साग को। तो फ्रेंड बाहर बारिश हो रही थी, तो देखिए चूल्हा यहाँ बरामदे में रख लिया और साग को अच्छे से गौट दिया, पानी गर्म करने रख दिया वो पतीली पे। तो अब लगाएंगे आलन और ये है मक्के का आटा। और अम्मा बैठे देखो, अम्मा ने अच्छे से घोंट दो बनाया मथनी से। तो गाइस अब आलन लगाएंगे, देखिए मक्के का आटा ये, और पानी थोड़ा गुनगुनो कर लो। तो अब डाल दी, डाल और डाल और डाल, पानी पहले। देखिए आटा मैंने अच्छे से घोल लिया, अब डाल देंगे इसमें। देखो अम्मा चला रही। तो देखिए गाइस साग बन चुका है, हम कटोरे में पलट के रख लेंगे, बहुत ही मस्त बना है। हम लगाएंगे इसमें तड़का। तो देखिए तड़के के लिए डाल दिया सरसों का तेल, अब लगेगा। अब पहले डालेंगे ये लाल मिर्च दो, और अब ये डालेंगे लहसुन। और अब डालने के ये हरी मिर्च,
और अब डाल देंगे ये अदरक। और ये डाल दिया प्याज। अभी अब हम डाल देंगे टमाटर। ये टमाटर मैंने काटा था। तो अब इसमें डालेंगे ये घी, बिल्कुल देसी घी है, एक चम्मच और डालेंगे। मक्खन भी आप डाल सकते हैं। देखिए तड़का लग चुका है, अब इसको अच्छे से मिला देंगे और साग बहुत ही मस्त बना है। देखो किस किस के मुंह में पानी आया, कमेंट में बताना। अच्छे से इसको मिला देंगे, घी और डालेंगे, चम्मच घी और डाल दिया, इसको भी मिला देंगे। और मिर्च मैंने निकाल के रख दी थी, वो फोटो खींची थी इसलिए। देखिए तो गाइस साग बन चुका है, देखो मक्का की रोटी बन रही और बाहर हो रही बहुत तेज बारिश। तो देखिए गाइस मक्के की रोटी बन चुकी है, मैंने देखो घी लगा के रख दी। तो आ जाइए सभी लोग खा लीजिए मक्के की रोटी और सरसों का साग। और साग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस साग रोटी बन चुकी है देखिए, और साग में हमने थोड़ा सा मक्खन और डाल लो। अब खा ले सब लोग, बहुत मस्त बनी है मक्का की रोटी देखो। और साग ले खाओ सब लोग। एकदम मस्त बनो, बहुत अच्छो। हमें चना के साग से अच्छो सरसों का साग लगो। तो गाइस काफी टाइम हो गया, अभी मुझे वीडियो एडिट भी करनी है। तो आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।